हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिज। यह एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है एल्बा रिबासी ने और क्रिस्टियन वोलेसिया ने और बर्नर्ड सामेल ने और अल्बर्ट कारबोज ने। और यह मूवी 15 मार्च 2015 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.0 की। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोग मिलकर एक डेड बॉडी का बलात्कार कर रहे होते हैं और तभी उस डेड बॉडी में जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है और वह इन सभी को मारकर अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लेती है। इस मूवी को देखकर लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। यह एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है और इस मूवी की शुरुआत स्पेन के एक हॉस्पिटल से होती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसका नाम एना फ्रिट्स है, उसकी एक पार्टी के दौरान रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और एना की डेड बॉडी को मुर्दा घर में लाया गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पर एक वार्ड बॉय होता है जिसका नाम होता है पाओ, जो कि हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ही काम करता है और यह वही मुर्दा घर होता है जिसके अंदर एना की डेड बॉडी को रखा गया है और इसी हॉस्पिटल में पाओ की ड्यूटी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पाओ एना की डेड बॉडी की कुछ फोटोज खींचता है और वह यह फोटोज अपने दोस्तों को भी भेज देता है क्योंकि एना फ्रिट्स एक सेलिब्रिटी होती है और वह काफी फेमस होती है। और इसके बाद दो दोस्त पाओ से मिलने आते हैं जिनका नाम इवान और जावी होता है क्योंकि आज इन तीनों का एक साथ मिलकर पार्टी में जाने का प्लान होता है। और फिर पाओ उनसे बोलता है अभी मेरी शिफ्ट खत्म होने में 3 घंटे और बाकी हैं। और इसके बाद ये तीनों बाहर जाते हैं और कुछ नशीली ड्रग्स भी लेते हैं। और इसके बाद इवान पाओ से रिक्वेस्ट करता है कि हीरोइन एना की डेड बॉडी बस उसे एक बार देखनी है, लेकिन पाओ उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर पाओ की नौकरी का सवाल होता है। लेकिन उन दोनों के काफी मनाने के बाद पाओ मान जाता है और ये तीनों लोग मुर्दा घर में चले जाते हैं। और मुर्दा घर में जाकर पाओ एक डेड बॉडी से कपड़ा उठाता है और ये दोनों डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि यह डेड बॉडी एक बूढ़ी औरत की होती है। इसके बाद पाओ इन दोनों को एना की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और एना का चेहरा देखकर इवान बोलता है ये कितनी खूबसूरत है। और तभी इवान एना की डेड बॉडी से पूरे कपड़े को उठा देता है और इसके बाद इवान एना की डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से को देखकर उसको टच करता है। और इसके बाद इवान पाओ से बोलता है उसे एना की डेड बॉडी के साथ कुछ करना है। और इसके बाद पाओ उन दोनों को बोलता है उसने भी एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ गलत काम किया है। और यहाँ पाओ उन दोनों को उस लड़की की फोटो भी दिखा देता है लेकिन इनका तीसरा दोस्त हावी यह करने से मना कर देता है। और इवान भी पाओ से कहता है ऐसा मत करो। और इसके बाद हावी उसे एक अलग कमरे में लेके जाता है। और इसके बाद इवान सबसे पहले एना की डेड बॉडी के पास जाता है और उसके साथ गलत हरकत करता है और उसका होने के बाद इवान पाओ को भेज देता है। और इसके बाद पाओ भी एना की डेड बॉडी के साथ गलत काम कर रहा होता है। और काफी देर ये सब चलने के बाद अचानक एना की आंखें खुल जाती है और जैसे ही वह एना को देखता है वह जोर से चिल्लाता है और पीछे की ओर गिर जाता है। पाओ की चीख सुनकर इवान और जावी भागकर उसके पास आते हैं और देखते हैं एना तो जिंदा हो गई है। और यहाँ एना पाओ को उसके साथ हुई गंदी हरकत के साथ देख लेती है और पाओ डर जाता है लेकिन जावी उसे बोलता है हमें एना को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसे अभी होश आया है, वह शायद ठीक हो सकती है। लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। हावी उन दोनों से बोलता है तुम दोनों ने मिलकर एना के साथ गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और बातों ही बातों में दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के दौरान हावी के सिर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है और उसके सर से काफी सारा खून बहने लगता है। और यह सब कुछ देखकर इवान डर जाता है और वह पाओ से बोलता है जल्दी से मेडिकल जाओ और दवाई लेकर आओ। और जब पाओ बाहर की ओर जाने लगता है तो उसे पता चलता है दरवाजा बाहर से बंद है, हॉस्पिटल में काम करने वाले किसी शख्स ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। और फिर पाओ अपने दूसरे वार्ड बॉय साथी को कॉल करता है और बोलता है मैं अंदर ही था, तुमने दरवाजा बंद कर दिया है। और कुछ देर में वह वार्ड बॉय आकर दरवाजे को खोल देता है और पाओ जल्दी से जाकर फर्स्ट एड की दवाइयाँ लेकर आता है। लेकिन जब तक वह आता है जावी मर चुका होता है। और इसके बाद पाओ काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद पाओ और इवान मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं कि फिर एना को हम मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एना अब थोड़ी बहुत हिलने लगी है और वह बोलने की भी कोशिश कर रही है और ये दोनों काफी डर जाते हैं और इसीलिए ये दोनों थोड़ी सी ड्रग्स ले लेते हैं। और जब ये दोनों ड्रग्स लेने के बाद वापस आते हैं तो ये देखते हैं एना अपने बेड पर नहीं है और पाओ और इवान मिलकर एना को ढूंढने लगते हैं। और जब इवान एक चेंबर में आता है तो वह देखता है एना बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है
और फिर इवान उसकी गर्दन पकड़ता है और वापस लाकर उसे बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे वहीं छोड़ देता है। और उसके बाद वो दोनों एक डस्टबिन को लेकर आते हैं और जावी की डेड बॉडी को उसके अंदर डालकर बाहर की ओर रख आते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एना हावी के सेल फोन से किसी को फोन लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पाओ और इवान आ जाते हैं और एना के हाथों से मोबाइल को छीन लेते हैं। और तभी एना उनसे बोलती है, मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और यह बात सुनकर इन दोनों को एना की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो दोनों एना को हॉस्पिटल लेकर जाने की सोचते हैं। और तभी बेसमेंट के गेट पर पहुंचते ही फोन की घंटी बजती है और जब इवान फोन को उठाता है तो दूसरी ओर एना के डैड होते हैं और दूसरी साइड से एना के डैड बोलते हैं, इस फोन से मेरे पास मिस कॉल आई थी। और फिर इवान रॉन्ग नंबर कहकर फोन को काट देता है और फिर वो दोनों एना को वापस मुर्दा घर के अंदर ले आते हैं और फिर ये दोनों एना को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि एना को सब कुछ पता चल चुका था। वो दोनों एना के मुंह पर एक कपड़ा लगाकर उसे मार डालते हैं और इसके बाद पाओ और इवान वहाँ से सब कुछ साफ कर देते हैं और खून के दाग भी मिटा देते हैं। और यह सब कुछ खत्म करने के बाद ये दोनों एना की डेड बॉडी को वहीं पर रखकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद इवान को याद आता है उसके पास एक कार्ड था जिससे उसने ड्रग्स ली थी, वह तो अंदर ही रह गया है। और वो उस कार्ड को लेने के लिए वापस अंदर की ओर चला जाता है और जब ये दोनों अंदर आते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो देखते हैं एना उनके सामने फिर से जिंदा खड़ी है। और तभी पाव भी वहाँ पर आ जाता है और फिर इवान पाव से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और तभी इवान पाव का गला पकड़ लेता है और तभी पाव बोलता है, एना ने मुझे बताया था तुमने हावी का गला दबाकर उसे मार दिया था। लेकिन यहाँ एना ने पाव से झूठ बोला होता है और पाव उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। और जब ये दोनों एना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी एना मरने की एक्टिंग करती है क्योंकि एना एक सेलिब्रिटी होती है, वह अच्छी एक्टर होती है। और फिर पाव बोलता है वह मर चुकी है और असल में वह उस समय भी जिंदा होती है। और इस बार इवान फिर एना को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है लेकिन एना अपने हाथ में कैंची लेकर उसके गले पर वार कर देती है। एना इवान के गले पर कैंची से हमला कर उसे जख्मी कर देती है। और फिर पाव एना को बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद की है और मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मुझे नहीं मार सकती। और तभी एना पाव को थैंक्स कहने के लिए अपने पास में बुलाती है लेकिन यहाँ एना उसके पीठ पर काफी सारे वार कर उसे भी मार डालती है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि एना ने पाव को क्यों मारा था, क्योंकि शायद एना ने देख लिया था कि पाव की गलती की वजह से जावी की मौत हो गई थी। जावी तो शुरुआत से ही एना को बचाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं पाव की वजह से ही एना की ऐसी हालत हुई थी, क्योंकि अगर पाव अपने दोस्तों को यहाँ पर नहीं बुलाता तो एना की ऐसी हालत नहीं होती। मेरे ख्याल से एना को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इन सब का जिम्मेदार केवल पाव ही है। इसी वजह से पाव जब एना की मदद करता है फिर भी एना उसे मार डालती है। और इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए और ना ही गलत काम में किसी का साथ देना चाहिए। और ऐसा ही पाव के साथ होता है, ना ही वह अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाता और ना ही ये दोनों मिलकर एना की डेड बॉडी के साथ उसका बलात्कार करते। और अगर पाव ये सब नहीं करता तो एना की ऐसी हालत नहीं होती और हो सकता हो शायद एना जिंदा ही ना हो पाती। और इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा ही बुरा नतीजा निकलता है। और दोस्तों हमारे द्वारा इस मूवी की हुई एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।